बाबू साहब हम कोई भी सजा भुगतने को तैयार है बाबू साहब, इनका बचा लो, एक बार बचा लो बस, हमको बचा लो बाबू साहब। कुछ नहीं होने देंगे हम, है ना, कुछ कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस फाइल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिहाड़ी मजदूरों की हालत हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। गांव में काम करने वाले मजदूरों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी मजदूरी की सरकारी दर क्या होती है। पर क्या कोई इंसान पूरे गांव को सिर्फ 30 रुपया दिहाड़ी पर काम करने के लिए मजबूर कर सकता है? जी हाँ, ये बात सच है और आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं विनय आनंद पुलिस फाइल्स की इस कड़ी में आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के कैमूर जिले के एक गांव में दिन दहाड़े इंसानियत और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव के ही एक दबंग दयाल ने पूरे गांव को नशे का आदि बना दिया था। गांव का ही रहने वाला बिरजू अपनी पत्नी सोनमती का गौना करा के उसे घर लाया था। अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस बस जरा तबीयत खराब होती है तो ले लेते हैं। जाओ जाओ जाओ। तो हमको? नहीं नहीं नहीं। तो हमको? अरे नहीं 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 नहीं। तो अरे हमको? अरे तो? ये खुद से सुई काई ले रहे थे? हमको जब घबराहट होती तो हम ले लेते हैं। तुम इतना भोरे भोरे कैसे उठ गई? हम तो हमेशा ही भिनसर जग जाते हैं। अच्छा? चाय बना के लाए खा तुम्हारे। अच्छा, अभी तो दो ही दिन हुआ, धीरे धीरे तुम्हारे बारे में जान लेंगे। अच्छा जाओ चाय बनाओ, हम जरा मैदान होके आते हैं, है ना? ये सुई लाओ, ये हम बाहर फेंक देंगे। पर, हम बाहर फेंक देंगे, पर फेंक देंगे बाहर, ठीक है? काकी, अरे बिरजू दुल्हनिया, कैसे लग रहे हैं अपने ससुराल में? काकी, काम से आए थे तुम्हारे पास। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो हमरे वो हमरा गौना करके तो ले आए, पर ये नहीं सोचे कि हम खाएंगे का। हम पूरा घर छान मारे काकी, पर एको दाना चावल का नहीं मिला, इसलिए थोड़ा चावल दाल मांगने आए थे तुमसे। हाँ हाँ रुको, हम लेकर आते हैं तुमने लिए। अच्छा काकी, हम चलते हैं। हमरा एक काम करेगी? हाँ हाँ बोलो काकी। काकी पर ये तू आ तो सही, ये कपड़ा हमारे हाथ में बांध दे, मुंह नस कहीं गायब हो गई है, सुई लगा नहीं हमको, तबीयत हमारी बिगड़ रही है, जल्दी ये कपड़ा बांध। नहीं नहीं काकी, सुई लेना है तो डॉक्टर के पास जाओ, एक खुद से का ही सुई ले रही हो? अरे बावरी, हमारी तबीयत बिगड़ रही है, ये सुई लेने से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले जल्दी से बांध। नहीं नहीं काकी, ये हमसे ना होगा। अरे हम तो ही सुई लगाने को थोड़े ही कह रहे हैं, तू हमारी हमारी नस गायब हो गई है इसलिए कह रहे हैं, जल्दी बांध। खोल जल्दी खोल। धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी, अभी नई नई आई है ना। मुंशी जी पिछला हफ्ता का मजूरी लाई है। अरे बिरजू ले आया मेहरारू को गौना करा के, हैं? हाँ ले आया, अब मजूरी दे दीजिए ताकि खाना भी खिला सके। दो दिन का छुट्टी के बाद 4 दिन का मजूरी हुआ 120 रुपया,
और दवाई का पैसा काट कर बचा 30 रुपया। तो ई लो तुम्हारा 30 रुपया। और दवाई? दवाई भी चाहिए तो पैसा दो। तुमको ये बार पैसा भी चाहिए और दवाई भी चाहिए? मैं तो जी का दलाल है कई जो मुंह उठाकर चले आए। अरे पैसा लिया है ना तो अब चलो हो जाओ यहाँ से। कहा हो रहा है जी? कहा गुल्ला हो रहा है? ब्याह करके बोरा गया है, अब इसको मजदूरी और दवाई दोनों चाहिए। कह रहे बिरजुआ हैदारी बहुत ताकत लेके आई है का दहेज में? बहुत बोली फूट रहा है तुम्हारा। दिन रात आपके लिए मजदूरी करते हैं, अब आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अब तो खाने वाले दो प्राणी हो गए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा मांग रहे थे। जब औकात नहीं था तुम्हारा तो काहे गौना कराए? चलो इस बार तुम्हारा दिल खुश कर देते हैं, लेकिन जब हमको जरूरत होगी तो हमारा भी दिल खुश करना पड़ेगा। मुंशी दे दीजिए 100 रुपया। और सुनिए एक तो दवाई का खुराक भी दे दीजिए हमारी तरफ से। धन्यवाद मालिक। ए जी आप इतनी मेहनत करते हो, उनके खेत में खटते हो, पर घर में ना अनाज है ना तेल है, ये तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है आखिर? जाएगा कहाँ? पैसा आएगा तभी ना जाएगा। दिन भर मजदूरी करते हैं तो 30 रुपया मिलता है और उससे अनाज खरीदे के तेल का 30 रुपया। हमारे बाबू को तो 500 मजदूरी मिलता है दिन का, यहाँ इतना कम का है? तुम्हारे बाबूजी कहाँ काम करते हैं? शहर में, गांव है, यहाँ मजदूरी भी कम है और काम भी कम है। हाँ, पर... और आधा पैसा तो ये दवाई में जाता है। पर ये दवाई लेते काहे हो? और ये कौन सी बीमारी है जो पूरा गांव को लगी है, अपने आप ही सुई लेते हैं? आज हम देखे लक्ष्मी काकी को, वो भी खुद ही सुई लगा रही थी। हमको तो ये सब बहुत अजीब लगता है, आखिर है काहे? अभी दिन भर सवाल पूछ पूछ के पेट भर गया हमरा। गांव में सारा लोग बीमार है तो उसको उसका दवाई भी मालिक के पास मिलता है, दवाई लेते हैं तभी जिंदा है लोग। अब यहाँ आई हो तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब जाओ ना, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। हाँ। नहीं की मेहरारू पुरन का नशा तुन्नु बहुत खराब होता है। बाहर गए हैं क्या? हाँ, काम पर गए हैं। वैसे तुम्हारा मन तो लगता नहीं है। हाँ, लगता है मन, काहे नहीं लगेगा? तुम बताओ कैसा आने हुआ? वो एक हफ्ते की छुट्टी था तो अम्मा बोली जाकर अपनी दीदी के खबर ले लो, वैसे तुरंत चला जाऊंगा, वहाँ पर बहुत काम है ना इसलिए। अच्छा ठीक है, पर थोड़ी देर बैठोगे कि नहीं? एक बात पूछना था तुमसे। एक मिनट, का है हमको तो डर ही लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है, एक ही बीमारी पूरे गांव को और एक ही दिन से सबका इलाज, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में जरूर पता लगाओ तुम। हाँ दीदी जरूर। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं, अपना और जीजा जी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जरूर पता लगाना परी के बारे में। ठीक है। हाँ दीदी
हम जरूर पता लगाएंगे और फिर बताएंगे। हम चलते हैं अभी, ठीक है ना? राम जी। सोनमति ये जान चुकी थी कि पूरा गांव दवाई के जाल में फंस चुका है। सोनमति को अपने पति के साथ साथ पूरे गांव की चिंता थी। सोनमति ने बिरजू को बहुत रोका, लेकिन बिरजू रोज टालता गया। और कृष्णा ने जब दवा के बारे में पता लगाया तो वो ये जान चुका था कि ये दवा दवा नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रग्स थी। दीदी, ये दवाई नहीं, जहर है जहर। इसका सुई लेने से ना इंसान नशे में डूब जाता है, और जैसे ही असर खत्म होता है तो इंसान दोबारा सुई लेने के लिए छटपटाने लगता है। और अगर नहीं मिले ना सुई तो इंसान मार पीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक किसी की जान भी ले सकता है। और ये दवाई तो बाजार में बिकती भी नहीं है, सरकारी रोक है। वो जब का मालिक है ना, वो नशा का लत लगा कर पूरा गाँव वाले से 30 रुपए में काम करवाता है। हाँ, और जब कोई मना कर देता है ना, वो उसका दवाई रोक देता है। यही बात है, समझ में आ रही है ना तुमको? जब दवाई नहीं लेते तो अकबक्की हो जाता है, और जब दवाई लेते तो सब ठीक हो जाता है। हो सकता है सही कह रहा हो नहीं सकता, एकदम यही बात है। शीला जी, आपको पता नहीं ये दवाई कितना खतरनाक है। भाई सुई बार बार लेने से ना इंसान का जान भी चला जाता है, समझे? और आपको मेरे को बात दिखाएं, दिखाइए। हाँ दिखाइए, दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना बाजू, देखिए। हे भगवान, ये क्या कर लिए? अब कभी नहीं लेनी है दवाई, कसम खाइए, अब खाइए ना, एकदम कभी नहीं लेनी है दवाई, बोलिए ना। कसम खाते हैं, नहीं लेंगे दवाई। और हाँ जी, अब जल्दी उठिए और वो अपना मालिक के बारे में रिपोर्ट लिखाइए, ताकि 30 रुपए में ये जो नशीला दवाई दे रहा है उससे बच सके पूरा गांव वाला। हाँ ठीक कह रहा है, उस दयाल के खिलाफ तो लिखानी ही होगी रिपोर्ट। कोई नहीं जाएगा, ये थाने जाने का बात सोचना गुनाह है। मालिक को पता चला तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, और पुलिस थाना है, तो दरोगा रो जाता है मालिक के घर पे। हाँ ना, कोई नहीं जाएगा, हम बताते रहे। मगर दीदी, नहीं कृष्णा, ये सही कह रहे हैं, पहले अपना घर संभालना होगा, फिर दूसरे का घर देखेंगे। आज से बस इनका दवाई छुड़ाना है, बस। अरे बिरजू, हमें मदद कर, देखना हमारी नस उतरा गई है। नहीं, एकदम नहीं, हमारी तड़प का अंदाजा नहीं। नहीं बेटा, हम मर जाएंगे। लक्ष्मी काकी की हालत देखकर बिरजू ये जान चुका था कि अगर वो नशे से बाहर ना निकला तो उसकी हालत भी लक्ष्मी काकी जैसी हो जाएगी। अब बिरजू घर पर ही रहता था और सोनमति उसका पूरा ख्याल रखती थी। वहां बिरजू का काम पर ना जाना दयाल को परेशान कर रहा था, और उसने अपने मुंशी से कहा पता लगाने के। नहीं की मेहरारू, अब पुरन का नशा दोनों बहुत खराब होता है। बहुत हिम्मत है उसकी मेहरारू, का शायद नहीं मालूम कि दवाई का नशा मरने के बाद ही खत्म होता है। करने दो उसको जुगात, आकर आखिरी में हमारे गोद में ही गिरेगी। ये जो दवाई है ना, ये रिमोट है पूरे गांव का। हो गया कृष्णा, कैसे ठीक होगी? दीदी, इनका शरीर ना नशे का गुलाम हो गया। करुणा, दवाई ना मिलने पे बेचैन है, मगर तुम घबराओ नहीं, हिम्मत से काम सब ठीक हो जाए। एक काम करो ना, तुम काकी को लेकर आओ, वो हो सकता है उनके पास कोई इलाज हो। हाँ हाँ मैम, हम अभी आते हैं। बचा लो, तुम शांत रहो, हम है ना, शांत हो जाइए। हमारे क्या कर रही हो, इसे मर जाएगा ये। उनको बचा लो, मर जाएगा ये, देखा
शुरू शुरू में होता है, फिर ठीक हो जाएगी वो। पागल मत बन, एक हालत देख रही है हमने हालत देखी थी उस दिन कि हमने जब तक सुई नहीं ली थी हमें चैन नहीं आया था। दे दे इसे सुई। पर कहाँ से लाई? घर में नहीं है। हे राम, हमारे पास भी सुई थी। ऐसा कर, इसको मालिक के पास ले चलते हैं। हमको बताओ ना। हाँ जस्ता। जालू साहबी को जब इसके सामने तड़प तड़प के मरेगा तब इसको अकल आएगा। को पता नहीं है, छोड़ो हमको। मेरे सुहाग की जान बचा ली थी बाबू साहब। काहे नहीं सुधराई? हम तो सुने थे कि तुम इसका सब गलत आदत छुड़ा रही हो, हाँ? गांव छोड़ के पटना ले जा रही हो। अब जाओ पटना, जाओ पटना। बाबू साहब बस इनका ठीक कर दीजिए, हम इनका लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बाबू साहब एक खुराक दवा दे दीजिए। बाबू साहब ये मर जाएंगे। बाबू साहब मरता है तो मरने दे। नहीं नहीं बाबू साहब, ये मरेगा तभी तो गांव का कोई दूसरा आदमी ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा। दो ही दिन हुए हैं तो मैं गांव में आए हूँ, पूरा गांव का नियम बदलने चले। बदलो नहीं, बदलो। अपना सब कुछ ले लीजिए बाबू साहब, जान जमीन घर सब ले लीजिए, बस इनका बचा लीजिए। जमीन घर हैं? अरे वो सब तो पहले से हमारा है। बिरजुआ का माँ बाप था ना, दिन में दो दो बार दवाई का खुराक लेता, मरते समय उसका माई बाप सब कुछ हमारे नाम कर गया था। तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है हमारा कि तुम्हारा पोता पोती तक चुकाता रहे। बाबू साहब बचा लो बाबू साहब। ले जाओ उसको ऊपर, बंद कर दो कमरे में। जब इसके सामने तड़प तड़प के मरेगा तब इसको अकल आएगा। पे सब मंगल है, आप लोग जाइए। मतलब दयाल यहाँ के लोगन का ड्रग्स नहीं देते? काहे को देगा? आप ही जरा सोचिए, कोई आदमी फोकट में ड्रग्स काहे को देगा? क्या फायदा है उसका? अरे आपको पटना में रहते हैं, आपको कहाँ मालूम? हम यहाँ 2 साल से हैं, आज तक कोई भी आदमी शिकायत लेकर नहीं आया है। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी बोलो, क्या बात है? सर हम दयाल के बाद तुमसे कहा ना, दयाल बाबू के यहाँ तुम्हें काम नहीं दिला सकते। अगर तुम्हें काम करना है तो कहीं और जाकर करो, चले यहाँ से। सर पर हमारी बात तो सुनिए। अरे सुन लिया तुम्हारी बात, चुप रहो। दोबारा कभी यहाँ नजर भी मत आना, समझे? हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे घर वालों से बात भी करेंगे। चलो यहाँ से, चल फुट फुट यहाँ से। पागल है, 2 दिन से हमारा दिमाग खराब कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो घबराओ मत, हम वो इंस्पेक्टर जैसे नहीं है, हम CID के लोग हैं, पटना से आए। क्या बताना चाहते थे? हम कुछ नहीं किए। हम बताओ ना, घबराओ मत। क्या बताना चाहते थे तुम दयाल के बारे में? ठीक है, अब जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो, तुम्हें वही सब करना है। समझ गए ना तुम? तुमको ठीक वैसे ही करना। कोई है जो हमें वहाँ अंदर तक ले आ सके? हाँ है ना, लक्ष्मी काकी।
कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी काली? चलिए हम ले चलते हैं। राम राम मालिक। क्या हुआ, यहाँ कहाँ आए हो? वो हमारे बहन के लड़के यह गांव में आए हैं, दो ही लोग हैं, अपनी जगह उन दोनों को रखाने लाए हैं मालिक, एक बार आप देख लेते तो। कहाँ है वो लोग? बाहर खड़ा करके आए हैं मालिक। बुलाओ उनको अंदर। हाँ मालिक। नमस्कार मालिक, मालिक हमारा नाम मंगल है और ये है बिहारी। सही लोग, भगना है तुम्हारे? हाँ मालिक। ठीक है, जाओ ये लोगों को मुंशी से मिला दो और कल से भेज दो, वो पश्चिम वाले तालाब पे रखवारी करेंगे। क्या हुआ, सुनाई नहीं देता है का? अब तक कहाँ खड़े हो यहाँ? मालिक वो हम कह रहे थे कि इनका दवाई आज ही से शुरू कर देते तो, और एक खुराक हमें भी चाहिए। लाओ जी दवाई लेके आओ। लाओ लाओ आओ यहाँ आओ, लगा देते हैं। वही खड़े रहना, एक कदम भी आगे बढ़े तो इसकी खोपड़ी में सुराग बना दूंगा। कहा है सब बुढ़िया, जानती हो उसका अंजाम? पता है, अच्छे से पता है। पूरे गांव वाले को खुशी मिलेगी और इस नशे की लत से मुक्ति मिलेगी, ये है अंजाम, समझेगा? कुछ नहीं होगा, मर जाओगे सबके सब दवाई के बिना। बकवास बंद कर, ये बता कि सोनमती और बिट्टू कहाँ है? बोल। तो पता नहीं है, छोड़ो हमको, चिंते नहीं हो अभी तुम हमको। पंकज जाओ, तुम जाके उन्हें ढूंढो, हम यहाँ इनको संभालते हैं। वहीं खड़ा रहो, हिलना मत बिल्कुल। जीता जी, जीता जी। साहिब एक बचा लो साहिब, कुछ बोलते भी नहीं है, बचा लो साहिब को। पंकज सारे एविडेंस संभाल कर ले जाओ और पुलिस का भी इन्फॉर्म कर देना, और हाँ ये बिरजू का जल्दी अस्पताल ले जाओ। जाओ चल, ज्यादा होशियारी मत कर, चल। बिरजू के साथ साथ कुल 28 परिवार नशे की चपेट में आ चुके थे, दयाल और उसके गुंडों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, अब पारी थी गांव वालों के इलाज की। जिले के एसपी ने आगे कदम बढ़ाया और गांव वालों की भरपूर मदद की, यहां तक उसने कई लोगों की जिंदगी भी बचाई। ये पूरे मामले में कृष्णा और सोनमती को हम सलाम करते हैं, उनकी सच्ची जांबाजी और हौसले को हम सलाम करते हैं, लेकिन ये तो थी किसी दूसरे द्वारा दी गई नशे की खुराक। अब सवाल ये है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जो अपनी ही मर्जी से नशा करते हैं। मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा ये एपिसोड देखने के बाद वो इस नशे को त्याग दें। यह खातिर ना हम कहिला कि भैया सोच बदला तभी ना समाज बदली, हम जल्दी लेकर हाजिर हुई एगो सच्चा जाबाज की सच्ची कहानी। तब तक के लिए विनय आनंद के दी इजाजत, देखत रही पुलिस फाइल्स सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद। नेताजी हमें खुफिया जानकारी मिली है कि आप पे नक्सली हमले होने वाले हैं। आप दिन भर अंग्रेजी चैनल देखते रहते हो, जरा हमें देखने दो। मेरे बाबूजी का कह रहे हैं टीवी पर?